मैं ये पूछना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब भी तशरीफ फरमाए हैं और फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी हैं, ये CCI मिनिस्टर साहब आप अगर थोड़ा साइड पे हो जाइए प्लीज। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि आखिरी CCI की मीटिंग कब हुई है? CCI की मीटिंग KPK की, जो हमारा फाटा जो मर्ज हुआ है और उसके मुताबिक जो NFC अवार्ड का शेयर 14% से लेके वो 19% हो गया है और उसके मुताबिक ये खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का हक बनता है कि NFC अवार्ड में उसको 19% की शेयर दिया जाए, लेकिन अभी तक CCI का मीटिंग नहीं हुआ, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो मर्ज का डिसीजन है ये इस पार्लियामेंट का मुश्तरका मुतफिका है और इस पार्लियामेंट ने एक कमिटमेंट की थी कि हम जो NFC अवार्ड में जो शेयर बनता है सूबे का वो भी मिलेगा और 3% शेयर इजाफी वो भी मिलेगा जो पंजाब सिंध बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा वफाक देगा। अभी तक उसकी अमल दरामद का क्या पोजीशन है, नंबर वन। नंबर टू ये है कि जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की जो बकाया जात है नेट हाइटल में, उसको देने का कोई प्लान है कि नहीं है? क्योंकि 111 अरब रुपए ये सिर्फ नेट हाइटल प्रॉफिट के बकाया जात रहते हैं और जो इस पार्लियामेंट ने मुत्तफिका तौर पर जब ये कबाइल अज़ा को मर्ज कर रहे थे तो ये कमिटमेंट की थी कि हम 10,000 बिलियन रुपीस 10 साल में देंगे, यानी हर साल हम 100 बिलियन देंगे। क्या ये पार्लियामेंट और ये हुकूमत उस कमिटमेंट को पूरा कर रही है? एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि वहाँ जो इंसर्जेंसी बढ़ रही है, एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है, एक कारोबार जो है ना बहुत बुरी तरह जो वारंटियर की वजह से मुतासर रहा और अभी जो इंसर्जेंसी उसकी वजह से मुतासर रहा है, और साथ साथ उनकी जो लीगल राइट्स है उसको भी नहीं दिया जा रहा। तो नंबर वन मेरा मुतालिबा ये है कि जो कमिटमेंट इस पार्लियामेंट ने की थी, इस पार्लियामेंट की कमिटमेंट को पूरा किया जाए। नंबर टू, जो उन्होंने जो अभी मुझे पता चला है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई कमेटी बनाई है फाटा की डेवलपमेंट के लिए, जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम लीग नून की लोग हैं, शायद नुमाइंदगी तो वहाँ तारीख इंसाफ ही कर रही है। एक चीफ मिनिस्टर को डाला गया है, वो बेचारों को पता भी नहीं है कि इश्यूज़ क्या है। तो देखिए, एक सूबा अगर आप इसको इसलिए सजा देते हैं कि उसने खैबर पख्तूनख्वा के आवाम ने तारीख इंसाफ को वोट दिया है और उसकी वजह से आप उसकी लाइबिलिटीज़ उसके फंड नहीं दे रहे हैं, उनके साथ जो कमिटमेंट है NFC अवार्ड के शेयर नहीं दे रहे हैं, आप मर्ज एरिया की जो फंड है वो नहीं दे रहे हैं, और साथ साथ मैं प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से कि जनाब आपने पंजाब में अपनी तबीयत का चीफ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर को दिया है, आपने सिंध में जितने ऑफिसर्स हैं वो सूबाई हुकूमत की दिए हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा ने क्या जुल्म किया है कि आप उसको अपने, यानी IGP वही वहाँ है, चीफ सेक्रेटरी भी वहाँ है, वही है हुकूमत अमलन। आपको पता है कि चीफ सेक्रेटरी जो IG चलाते हैं, अभी तक छः महीने हो गए अभी तक वही ऑफिसर्स बैठे हैं जो कि आपके थे। तो मेरा ख्याल है कि ये खैबर पख्तूनख्वा के साथ जुल्म है। आप मेहरबानी करें, आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आप एक सूबे के एक पार्टी की, हम आपके ऊपर हमारे काफ़ी इतराज़ आते हैं, हम समझते हैं कि आपने हमारा मैंडेट चोरी किया है, हम समझते हैं कि फॉर्म 47 के, लेकिन जो भी है इस वक्त जो जिस पोजीशन पे है आपकी जिम्मेदारी है कि आप तमाम सूबों को अपने साथ चलाइए। शुक्रिया जी। एक अनाउंसमेंट सुन लीजिए, एक ग्रुप